आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू और मैंने ये क्या मंगाया है, इस बॉक्स के अंदर क्या है। इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक जरूर देखना पड़ेगा और ये प्रमोशन वीडियो बिल्कुल नहीं है, इसे मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा है और मुझे इसकी बहुत 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 जरूरत थी। और क्यों थी, किस लिए थी, पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अंदर कुछ अच्छी चीज है, मुझे लगता है मोस्टली काफी लोगों को ये पसंद आएगा और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में। और जिसको ये चीज खरीदनी है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप एक बार चेक जरूर करिएगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ मुनमुन, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन क्रिएटिविटी में। तो चलिए बिना देरी के हुए इस डब्बे को करते हैं ओपन और इसके अंदर क्या है देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये मैंने अमेज़ॉन से एक मंगाया है सेलो का रैक, और रैक की आवश्यकता मुझे बहुत थी क्योंकि मेरे पास जितना भी सामान है उसको स्टोर करने के लिए मेरे पास अलमीरा नहीं है। अलमीरा अगर ख़रीदने जाओ तो वुडन की होती है, अपना लोहे की होती है, और जिनका ट्रांसफ़र जॉब होता है उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है उन कैरी करना, मतलब लोहे की अलमारी हो चाहे लकड़ी की अलमारी हो। तो मोस्टली आपको अगर ट्रांसफ़र जॉब है तो उन लोगों के लिए बेस्ट आइडिया है, जैसे कि मेरे लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया है क्योंकि ये जो रैक है अलमीरा है जो प्लास्टिक की है, पर इसको जब हम पूरा ये खुल जाता है, पूरा पैक हो जाता है एक डब्बे के अंदर, जिस तरीके से ये मुझे रिसीव हुआ है आप देख सकते हो, उसकी पैकिंग वगैरह बहुत अच्छी आई है और सच बताऊं तो मुझे बहुत पसंद आया ये। तो अब मैं इसकी बॉक्स को खोल के आपको दिखाती हूँ इसके अंदर किस तरीके से सामान पैक होके आया है, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकला है, इनकी पैकिंग भी अच्छी थी जो जिन्होंने भी भेजा है। और तो चलिए बिना देरी के हुए इस पैकिंग को खोलते हैं। तो गाइस एक डब्बा खोलने के बाद उसके अंदर एक और डब्बा मिला है और ये सेलो फर्नीचर नोवेल्टी स्टोरेज सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो बिल्कुल इस टाइप का ये रैक बनाना है हमको, क्योंकि ये सारा जो है सारे पार्ट्स में आया है अलग 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 अलग, जिसे हमें जोड़ के एक अलमारी क्रिएट करनी है। तो मैंने पूरी पैकिंग खोल दी है, अब आप देख सकते हो इसमें मुझे एक पेज मिला है, बुकलेट है ये, इसमें सारा का सारा दे रखा है किस तरीके से हमको ये रैक बनाना है। पर ये मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं पहले भी इस टाइप की एक रैक ले चुकी हूँ तो मुझे पता है किस तरीके से इसे असेंबल करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसके ऊपर सारा का सारा दिया हुआ है, साइड पैनल बैक पैनल, मतलब जो पर्चे पे लिखा हुआ है, जो इस पेज पे लिखा हुआ है सारा, इस जो हमारे हमको जो डिवाइड मिले हैं ना, ये जो जितने भी पार्ट्स हैं इस पार्ट्स के ऊपर स्टिकर के ज़रिए उन्होंने लिख के रखा हुआ है, आप उसको पढ़ पढ़ के इसको असेंबल कर सकते हो, पूरा बना सकते हो अलमारी, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको बना के दिखा देती हूँ किस तरीके से इसको मैं असेंबल कर रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले रैक का जो बेस है उसको रख लेना है, और अब मैं क्या कर रही हूँ, जो बेस है उसके जो दो साइड के पैनल है उसमें पैनल सबसे पहले लगा रही हूँ, साइड वाले जो पैनल होते हैं वो लगा रही हूँ। तो लगाना बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो कितनी आसानी से लग जा रहा है ये। तो एक साइड का पैनल लगाने के बाद दूसरा साइड भी लगा दिया मैंने। अब मैंने लिया है इस अलमीरा का जो दरवाज़ा है वो ले रही हूँ, और उसके ऊपर जो हैंडल होता है जिससे हम अलमारी खोलते हैं उसको इस तरीके से लगाना है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हो इसी तरीके से लगाना है, और हल्के हाथ से इसको पुश कर देना है, ये अंदर चला जाएगा, बस हो गया। तो इसी तरीके से जो पहला दरवाज़ा है उसमें भी इसको अटैच कर देना है, दूसरे दरवाजे में भी इसको अटैच कर देना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो अलमारी का जो अलमारी है उसको मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि मुझे पीछे का पैनल लगाना है, तो इस तरीके से उसको सेट करना है।
क्योंकि ये न्यू एकदम होता है, कटिंग करके आई हुई होती है, तो थोड़ा सा अंदर जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा देख देख के इसे सेट करना है। तो मैं उसको उल्टा कर दिया, करने के बाद उसको हल्के हाथ से उस दरवाजे, मतलब पीछे का जो पैनल है उसको हल्के हाथ से उस जो निकला हुआ है उसके अंदर घुसाया और हल्के हाथ से ऊपर से पुश कर दिया, बस हल्के ठोक ठोक के। और ये देखिए पीछे के दोनों पैनल हैं वो भी लग चुके हैं, दो साइड के दो पैनल लग चुके हैं और दरवाज़ा जो है अब हम वो लगाएंगे। लेकिन उससे पहले इसका जो एक रैक मिला हुआ है जिसे हमें बीच में अटैच करना है, उस रैक को भी इसमें लगा देना है। तो रैक में ना दो हुक दे रखे हैं, बस उस हुक को इस छेद के अंदर डालना है। और इसमें आप देख सकते हो छेद कितने सारे दिए हुए हैं। आप इस रैक को कभी मतलब आपको अगर नीचे स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप इस रैक को ऊपर भी अटैच कर सकते हो, या ऊपर का रैक आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप नीचे थोड़ा इसको अटैच कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इसको मिडिल में ही लगाया है इस रैक को। अब इसके बाद मैं ऊपर का जो इसका जो बेस है, ढक्कन जो है उसका ऊपर का लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से लगाना है, बहुत ही आसानी से लग जाता है और आप इसे 10 मिनट में रेडी कर सकते हो इस अलमारी को। तो बस हल्के हल्के हाथ से इसे ठोक ठोक के इसे दबा देना है। और ये नहीं है कि ये परमानेंट ठुक जाता है, इसको आप कल को अगर आपका ट्रांसफ़र जॉब है और आपको शिफ्ट करना है तो आप आसानी से इस रैक को खोल के एक डब्बे के अंदर पैक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अब ये पूरा हो गया, इसका तीनों तरफ से लग गया, ऊपर का भी ढक्कन लग गया और तीनों पैनल भी लग गए, मतलब दो साइड के और पीछे का पैनल। अब इसे दरवाजे को लगाना है, तो दरवाजे में भी आप देख सकते हो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर हल्का पुश करूँगी, और करने के बाद इसमें हुक दे रखा है छोटा सा, देख आपको दिखाई दे रहा होगा, बस उसको उसमें घुसा देना है और बस इसको लगा के रेडी कर लेना है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो आपको जो बुकलेट दी हुई है उसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप उसको देख देख कर भी बना सकते हो गाइस। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और ऐसा नहीं है कि ये चटक जाएगा या बहुत ही लो क्वालिटी है, मुझे बहुत पसंद आया है, ये मेरा रिव्यू है। तो इस तरीके से मैंने इस अलमारी को बना के पूरा रेडी कर लिया है और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा भी दिया है कि बहुत आसानी से आप इस रैक को घर पर बना सकते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे स्टोरेज करने के लिए। तो ये था आज का वीडियो, अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना अच्छे से बन गया और काफ़ी स्टोर हम सामान रख सकते हैं, आप मतलब कपड़े भी रख सकते हैं, इसे आप शू रैक बना सकते हैं और इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मेरे पास पहले मैंने इस टाइप का एक प्लास्टिक रैक मंगाया हुआ था जिसे मैंने अभी अपने बेड के साइड टेबल की तरह मैं इस्तेमाल करती हूँ, और जब हमारा ट्रांसफ़र होता है तो इसे ईज़िली छोटा करके एक डब्बे में भी चला जाता है। और ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा, पसंद आए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।